आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ध्यान देना है, वह वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स होगा, या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स होगा, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई होगा, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई होगा। ठीक है, ये इतनी इक्वेशन है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका वर्टेक्स जो हो वो ओरिजिन हो, ठीक है, और एक्सिस जो होगी वह आपका होगा सिमेट्री इज एलॉन्ग द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पर देखो, जब आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स हो या वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर एक्स हो, उस समय एक्सिस आपकी ये होगी, यानी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, इस केस में हम इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। ओके, इसको ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, और जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई होगा या एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई होगा, उस समय आपकी एक्सिस ये होगी, वाई एक्सिस होगी। ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी। ठीक है, और इसी एक्सिस पर हमारे फोकस होते हैं, तो इसलिए इसे कोऑर्डिनेट जीरो कामा ए हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट जीरो कामा माइनस ए हो जाएगा। ओके, यही बात यहाँ बोला है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एलॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ओके, आगे यहाँ पर देखो, ध्यान देना इस बात पर। फर्स्ट पॉइंट, पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। कहने का मतलब ये है कि यदि इक्वेशन के पास, आपके इक्वेशन के पास वाई स्क्वायर टर्म है ए वाई स्क्वायर टर्म, इसका मतलब है कि अभी मैंने बताया वाई स्क्वायर रहने पर सिमेट्री आपका किसके एलॉन्ग होगी, एक्स एक्सिस के एलॉन्ग होगी। ठीक, फिर ध्यान दें, यदि इफ द इक्वेशन हैज एन एक्स स्क्वायर टर्म, अब इस केस में आपके पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो एलॉन्ग वाई एक्सिस होगी। ठीक है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, इस केस में आपकी एक्सिस क्या होगी, आपकी एक्सिस होगी सिमेट्री इज एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, यानी इस तरीके से ये हमारा पैराबोला बनेगा। ठीक है, या तो ऐसे बनेगा, इस केस में दो ही तरीके से बन सकता है, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। ये ऐसे तब बनेगा जब यहाँ माइनस आ जाएगा, ऐसे तब बनेगा जब यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस और माइनस की बात सेकंड वाले में बताया है। ठीक, इसमें बताया है, यहाँ पर केवल ये बताया है, अगर वाई स्क्वायर कंटेंस कर रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, तो एक्सिस आपकी, वो आपकी एक्सिस जो होगी वह एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस होगी, यानी इस केस में भी ऐसे होगा, इस केस में भी ऐसे होगा, अगर वाई स्क्वायर आ रहा है तो। यदि एक्स स्क्वायर आ रहा है आपके इक्वेशन में, उस केस में आपकी एक्सिस जो होगी वो वाई एक्सिस होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, फिगर में भी मैंने आपको दिखाया कि देखो एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई एक्सिस आपकी एक्सिस आ रही है। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक इज एलॉन्ग दी वाई एक्सिस। ओके, सेकंड पॉइंट को ध्यान दिया जाए, व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। सपोज कर लो, अब हम लोग एक्स एक्सिस के एलॉन्ग सिमेट्रिक देख रहे हैं, व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। अब पैराबोला, देन द पैराबोला ओपन्स टू द फर्स्ट पॉइंट राइट इफ
द कोफिशेंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, एलॉन्ग द एक्स एक्सिस, कहने का मतलब वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, वाई स्क्वायर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, ठीक, तो वाई स्क्वायर आ रहा है। और राइट में एक्स का कोफिशेंट, एक्स का कोफिशेंट यदि पॉजिटिव है तब तो आपका पैराबोला राइट में ओपन होगा, ठीक है, राइट में ओपन होगा। यदि एक्स का कोफिशेंट निगेटिव हो जाए, यदि निगेटिव हो जाए एक्स का कोफिशेंट, यानी कि वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस फोर एक्स, अब आपका पैराबोला ओपन होगा लेफ्ट में, यह बात यहाँ लिखी गई है। यानी एक्स का कोफिशेंट अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन होगा राइट में, अगर एक्स का कोफिशेंट निगेटिव हो जाए तब पैराबोला ओपन होगा लेफ्ट में, ठीक। ठीक ऐसे ही थर्ड पॉइंट में बोला है दोनों केस में, ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी आपके एक्सिस जो होगी सिमेट्रिक इज एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। थर्ड पॉइंट पर आ जाएं, थर्ड पॉइंट में आपका क्या है, ध्यान दें, व्हेन दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एलॉन्ग दी वाई एक्सिस। अब जब एक्सिस वाई एक्सिस के एलॉन्ग है तो यानी कि एक्सिस ऐसी है, ठीक है। अब सुनो आप, यानी कि जो सिमेट्री इज एलॉन्ग दी वाई एक्सिस है, आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एलॉन्ग दी वाई एक्सिस, यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, तो राइट हैंड साइड में यदि y का कोफिशियंट पॉजिटिव है, यानी 4a पॉजिटिव है, तो यह अपवर्ड ओपन होगा। अपवर्ड मतलब फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। और y का कोफिशियंट अगर निगेटिव है, तो कोफिशियंट ऑफ y इज निगेटिव, यानी यहाँ माइनस आएगा, तो उस केस में ऐसे ओपन होगा, यानी डाउनवर्ड्स, इसका मुंह नीचे की तरफ गिरा होगा, ठीक है, खुला होगा, ओपन, ठीक है। तो ये हमारे फिगर हैं, ये फोर टाइप बनते हैं, और ये आपका अपवर्ड है, ये आपका डाउनवर्ड है, ये आपका इसका ओपन राइट में है, इसका ओपन लेफ्ट में है, ठीक है। इसी की हेल्प से क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लैटिस रेक्टम, ये आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू एट एक्स। तो आपके इक्वेशन में ध्यान देना है वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब जो है आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस होगी। आप इस बात को लिख देंगे, ठीक है, द गिवन इक्वेशन इन्वॉल्व्स वाई स्क्वायर सो द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एलॉन्ग दी एक्स एक्सिस, ठीक। अब देखो आप, ये तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग हो गई, ये पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग बात हो गई। अब दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग, दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्स का कोफिशियंट देखेंगे, वाई का कोफिशियंट देखेंगे, यहाँ पर तो एक्स का कोफिशियंट देखेंगे क्या है, पॉजिटिव है, एक्स का कोफिशियंट पॉजिटिव है, तो फिर इस बात को लिखेंगे द कोफिशियंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव सो द पैराबोला ओपन टू द राइट, ठीक है। तो फिगर भी आप यहाँ बना देंगे, जैसे बोला है वैसे फिगर भी बना देंगे, ओके। अब आप जो इसका इक्वेशन होता है वो होता है वाई स्क्वायर इजल टू फोर एक्स, इससे आप कंपेयरिंग कराएंगे, तो कंपेयरिंग कराएंगे तो वाई स्क्वायर इजल टू फोर एक्स से, तो आपको पता चलेगा कि ए की वैल्यू टू है, ठीक है। जब ए की वैल्यू टू हो गई तो अब आप लिखेंगे द फोकस ऑफ द पैराबोला टू कामा जीरो, ठीक है। अब इसका मतलब फोकस से टू डिस्टेंस पहले ओरिजिन होगा, ओरिजिन से टू डिस्टेंस पहले आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। उसका इक्वेशन क्या होगा,
एक्स इजिकल टू माइनस टू। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a इजिकल टू 4 मल्टीप्लाई टू इजिकल टू 8। इस तरीके से आप जिस तरीके से यहाँ लिखा गया है वैसे ही क्वेश्चन में भी आप लिखेंगे, ठीक है। आ जाओ देखो अब जैसे एग्जांपल 5 है उस इस टाइप से क्वेश्चन आपका 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। ओके, ठीक एग्जांपल 5 की तरह आपको लिखना है। एग्जांपल 6 पे आ जाओ, यहाँ पर आपको पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। उन्होंने आपको दिया है फोकस दिया है 2,0 और डायरेक्ट्रिक्स बताया है x इक्वल टू माइनस टू, ठीक। तो ध्यान देना है इस बात पर फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,0 है। फोकस कहाँ पर होता है, फोकस तो x एक्सिस पर होता है। तो ये 2,0 ये बता रहा है कि फोकस हमारा x एक्सिस पर होगा, ये कोऑर्डिनेट बता रहा है कि यह पॉइंट हमारा x एक्सिस पर होगी, ठीक है। तो x एक्सिस पर होगी यहाँ ये फोकस, तो फोकस आपका x एक्सिस पर है। इसका मतलब आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वह एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो एलॉन्ग x एक्सिस है, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ, एलॉन्ग x एक्सिस है। तो यही बात यहाँ लिखी गई है, ध्यान दें। सिंस द फोकस 2,0 लाइज ऑन द x एक्सिस, द x एक्सिस इटसेल्फ इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ओके, हेंस द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म आइदर y स्क्वायर इजक्वल टू 4x, y स्क्वायर इजक्वल टू माइनस 4x। इसी दो में से एक टाइप का होगा, यह बात कंफर्म हो गई इस एक्सिस से, एक्सिस से कंफर्म हो गई। या तो पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4x टाइप का होगा या वाई स्क्वायर इजक्वल टू माइनस 4x टाइप का होगा, ठीक है, माइनस 4x इस टाइप का होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट्रिक्स क्या बताया है, x इजक्वल टू माइनस 2 बताया है। डायरेक्ट्रिक्स आपको x इजक्वल टू माइनस 2 बताया है। अब फोकस क्या है, 2,0 है। इसका मतलब है कि टू डिस्टेंस पहले तो क्या आएगा, वर्टेक्स आएगा, और फिर टू डिस्टेंस बाद फिर पहले और पहले आपका डायरेक्ट्रिक्स आएगा, यानी माइनस टू यहाँ होगा। यहाँ से आप कौन पास करेगी, डायरेक्ट्रिक्स पास करेगी, और यहाँ आपका वर्टेक्स आएगा। तो वर्टेक्स से आपका पास करता है कौन, पैराबोला। तो ये फिगर किसका बन गया, ये फिगर बन गया इस टाइप का, यानी इसी टाइप का हमारा इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x। तो y स्क्वायर इजिकल टू 4x, a की वैल्यू कितनी है 2, तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, 8x आ गया, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी गई है, सिंस द डायरेक्ट्रिक्स इज x इजिकल टू माइनस 2 एंड फोकस 2,0 द पैराबोला इज टू बी दी ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है। अब ये इक्वेशन निकल गया वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, एक मतलब 2, ठीक है, 8x आ गया। यह हो गया एग्जाम्पल 6। इस एग्जाम्पल 6 पर देखो कितने क्वेश्चन हैं, इस एग्जाम्पल 6 पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, ओके। इतने क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल 6 पर। और एग्जाम्पल 7 ज़रा देख लो, यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0, अब फोकस ये दिया गया है, ठीक है। और इसके पहले वाले एग्जांपल में ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये एग्जांपल 6 पर था, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस दिया गया था। यहाँ पर भी डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, एग्जांपल 6 में भी आपको डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, और एग्जांपल 7 में आपको फोकस और वर्टेक्स दिया है, ठीक है। तो इस पर एग्जांपल 7 पर कौन है, 9 है और 10 है, ओके। तो वर्टेक्स क्या है, 0,0 है, ठीक। अब फोकस क्या है, 0,2 है, ठीक है। तो वर्टेक्स 0,0 है, फोकस 0,2 है,
फोकस कहाँ होता है? एक्सिस पर। तो 0,2 ये कहाँ होगा? वाई एक्सिस पर। 0,2 कहाँ होगा? वाई एक्सिस पर। तो ये आपका पॉइंट इसी वाई एक्सिस पर कहीं होगा। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है, ये आपका है 0,2 और इन्होंने वर्टेक्स भी बता दिया। तो 0,0 कहाँ होगा? इसी लाइन पर, दो डिस्टेंस नीचे होगी, ये 0,0 हो गई, ठीक है। तो वर्टेक्स से ही हमारा कौन पास करता है? पैराबोला। तो पैराबोला कैसे पास करेगा? ऐसे, ठीक। ये किसका फिगर है? ये फिगर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का। एक यहाँ कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई टू वाई, यानी 8y आ जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ लिखा गया है सोलूशन में, ठीक है, सोलूशन में लिखा, देखो पढ़ो। सीन दी वर्टेक्स 0,0, फोकस 0,2 और 0,4,2 लाइस करेगा वाई एक्सिस पर। इसका मतलब आपका वाई एक्सिस जो होगा वह एक्सिस ऑफ दी पैराबोला होगा। देयर फोर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दी फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये आपका आंसर हो गया, ओके। इस एग्जाम्पल पर आपका क्वेश्चन जो है वो 9th और 10th है, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, एग्जाम्पल 8 पर। एग्जाम्पल 8 पर आप विचार करें, यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस, ओके। इसका मतलब है कि आपका जो एक्सिस है वो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से है। जब इस तरीके से है तो दो प्रकार के इक्वेशन आता है, एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay आएगा या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay आएगा, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आएगा। यही बात यहाँ लिखी गई है, सिंस द पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस एंड हैज इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन। यहाँ पर बताया गया है ओरिजिन के विषय में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यहाँ पर नहीं बताया गया है कि वर्टेक्स आपका ओरिजिन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात चलती है तो वर्टेक्स आपका ओरिजिन ही होता है और इसलिए ये दोनों इक्वेशन लिखे जाते हैं, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसकी साइन यहाँ पर -4 आएगा, यहाँ +4 आएगा, साइन के अकॉर्डिंग बात चलेगी, ठीक है। कुछ समय के लिए आप विचार करो, आपकी पैराबोला कहाँ से पास कर रहा है? 2,-3 से। 2,-3 किस क्वाड्रेंट में होगा? तो आप कहोगे 2,-3 हमारा 4th क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो 4th क्वाड्रेंट में होगा, तो ये पॉइंट कहाँ होगा? 4th क्वाड्रेंट में। तो अगर आप एक्स वाई एक्सिस बनाएं, वो प्लेन बनाएंगे, इस क्वाड्रेंट सिस्टम बनाएंगे ये, ठीक है, ये आपने बना दिया, ठीक, और आपका पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब फिगर जो होगा यहाँ से ऐसे ही पास करेगा, तो इसलिए यही इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? अपने पॉइंट को रखेंगे, क्योंकि पास कर रहा है, तो पास कर रहा है इसको सेटिस्फाइज करेगा। तो जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख देंगे, तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4ay के पोजीशन पे -3 रख देंगे, तो a की वैल्यू 1/3 आ गई। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है? -4ay, a की वैल्यू 1/3 आ गई, तो -4 मल्टीप्लाई 1/3y, यानी कि आपका आ गया 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y, ये फिगर बनेगा, ठीक है। इस पर आपका क्वेश्चन कौन सा है? 11 है और 12 है।